हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव, कंप्यूटर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज नोटपैड का दूसरा वीडियो है। तो हम इस दूसरे क्लास में नोटपैड को कितने प्रकार से चालू करते हैं और नोटपैड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम नोटपैड होता क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। इसका उपयोग नॉर्मल टाइपिंग करने के लिए किया जाता है। नोटपैड का सबसे ज़्यादा उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। हाँ दोस्तों, ये सही है। नोटपैड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें टेक्स्ट हम नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं और टाइपिंग के लिए ये होता है, और हम इसमें वेब पेज बना सकते हैं। जैसे आप जैसे गूगल का पेज मान लो, अगर आप कुछ सर्च करते हो व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, तो आप क्या देखोगे, गूगल के कई सारे वेबसाइट खुल जाते हैं, उस पेज को हम वेब पेज बोलते हैं। आगे हम देखते हैं नोटपैड का विंडो इस प्रकार होता है। ये है जो नोटपैड का, वो है टाइटल बार, और ये है मेनू बार, ये स्क्रॉल बार, ये ऊपर से नीचे खींचने के लिए आजू बाजू होता है, और स्टेटस बार, यहाँ हमें कर्सर का पोजीशन बताता है। टास्क बार, ये जो हमारा नीचे दिख रहा है इसको हम टास्क बार बोलते हैं, और ये कैप्शन बटन, तीनों बटन को साथ में बोलना हो तो हम कैप्शन बटन बोलते हैं। मिनिमम बटन, ये लाइन वाले को मिनिमम बटन बोलते हैं। मैक्सिमाइज बटन इसके अंदर होता है। रिस्टोर डाउन बटन ये है, ये रिस्टोर डाउन बटन है। मैक्सिमाइज बटन जब हम इसको रिस्टोर डाउन करेंगे तब दिखता है, नहीं तो ये इसमें छुपा रहता है। और ये रेड वाला क्लोज बटन होता है। तो हम और आगे देख लेते हैं नोटपैड को कितने प्रकार से हम चालू कर सकते हैं। तो हाउ टू ओपन नोटपैड, नोटपैड हम तीन प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, बाकी और भी हैं चार, तो आप जितने प्रकार से कर सकते हो। तो बेसिक तीन सीख लो बहुत हो जाता है। तो पहला है जैसे स्टार्ट नोट पैड एन ओके, दूसरा स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज नोट पैड एंड ओके, चौथा रन बॉक्स जो खुलता है। ये सबसे इजी होता है, लगभग हम इसी का यूज करते हैं, इसमें टाइम बचता है, टाइम सेव रहता है। स्टार्ट रन नोट पैड एंड ओके, तो हम देखते हैं। और हाँ दोस्त, इसमें नोट पैड का एक्सटेंशन नेम जो होता है दोस्तों, इसमें नोट पैड का जो एक्सटेंशन नेम होता है उसे हम डॉट टी एक्स टी बोलते हैं। TXT इसका फुल फॉर्म टेक्सी होता है। इसका एक्सटेंशन नेम .txt होता है, जिसे फुल फॉर्म में टेक्स्ट बोलते हैं। तो हम आगे शुरू करते हैं, नोटपैड चालू करना बताते हैं। तो हम यहाँ से निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने डेस्कटॉप पे। तो यहाँ से हम अब नोटपैड कितने प्रकार से चालू करते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन में, ये रहा स्टार्ट बटन। हम आपको जूम करके दिखाते हैं, इसके लिए हमें मैगजीन चालू करना होगा, तो हम कर लेते हैं यहाँ से मैग्नीफायर यहाँ से हम ले लेंगे आपको जूम करके दिखाने के लिए। तो इसे हम थोड़ा से जूम कर लेते हैं, ये रहा। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये रहा हमारा स्टार्ट बटन। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक ऐसा पेज खुलेगा। तो हम इसमें नोटपैड हमें ढूंढना होगा। तो देखो हमें नोटपैड ये दिख रहा है, तो हम यहाँ से नोटपैड सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे भी हमने नोटपैड सिलेक्ट किया, हम इसे छोटा कर देता हूँ। तो जैसे हमने नोटपैड सिलेक्ट किया वैसे हमारा ये नोटपैड चालू हो जाता है। तो ये हुआ नोटपैड एक प्रकार से चालू होना। अभी हम दूसरे प्रकार से देखते हैं, जैसे हम वापस नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा एक बॉक्स खुलेगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सर्च करके
लाना होगा। तो हम इसे छोटा कर देता हूँ और यहाँ अब नोट पैड हम सर्च करते हैं, लिखना पड़ेगा नोट पैड। तो हमने देखो नोट पैड में पूरा नहीं लिखा, थोड़ा ही लिखा, क्योंकि हमारे पास नोट पैड जो एन से शुरू होता है वो ऐसा प्रोग्राम एक ही है नोट पैड जो सबसे पहले आ गया है। तो हम इसे क्लिक करके ला सकते हैं। और लास्ट वो ऑल प्रोग्राम वाला, तो इसमें हमारा क्या है विंडो 10 है, तो विंडो 10 में ऑल प्रोग्राम नहीं देखने को मिलता है, नहीं तो विंडो 10 यहाँ ऑल प्रोग्राम करके मिलता है। जैसे विंडो 7 यूज़ करो, विंडो 8.1 करो, तो उस सब में दिखता है। तो आप वहाँ से कर सकते हो, अगर आपका विंडो 10 है तो आप यहाँ से इतना कर सकते हो। बाकी हम रन बॉक्स में से कैसे लाएंगे वो देख लेते हैं। हमें अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करना होगा, तो हमारा एक ऐसा रन बॉक्स खुलेगा। हम दिखा देते हैं आपको, ये रहेगा, ये हमारा रन बॉक्स खुल जाता है। अब इसमें हमें टाइपिंग करना होगा नोट पैड। अगर इसमें टाइपिंग नहीं हुआ है तो हमें टाइपिंग करना पड़ेगा, अगर हुआ है तो आप ओके कर दो। तो हम आपको दिखाने के लिए टाइपिंग कर देते हैं, नोट पैड हमने लिखा और यहाँ से आप सिंपल से ओके कर दो, आपका नोट पैड चालू हो जाता है। तो हम इस पे अब काम करेंगे। तो हम अब इसको हम मैक्सिमाइज करना है, तो कैसे करेंगे शॉर्टकट की से, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपको अभी आप नहीं देखे हो हमारे उस वीडियो को, तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब के बाजू में क्लिक करें, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो हम इसे मैक्सिमाइज करते हैं। आपने देखा मैंने कैसे किया, अल्ट बटन के साथ स्पेस प्रेस किया और फिर यहाँ से हमने एक्स कर दिया, तो ये मैक्सिमाइज। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ लिखा है एंटाइटल नोट पैड, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें तो हम इसे ला लिया, इसे हम रखते हैं यहाँ बाजू में, थोड़ा जूम कर दिया। हाँ दोस्तों, ये हमारा जो लिखा है अनटाइटल्ड नोटपैड, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। और इसके ठीक नीचे हमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प दिख रहा है, इसे हम मेनू बार बोलते हैं। हमें जो भी काम करना होता है हम इसके मदद से करते हैं। जैसे हम आपको दिखा देते हैं नो, न्यू, ओपन, सेव, ये सब हमें यहाँ से ऑप्शन मिलते हैं। अगर हमें कोई और काम करना है इस पे तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, जैसे ये हमारा हो गया, अगर इन तीनों बटन को हमें साथ में बोलना हो एक बार में ही, तीनों का क्या नाम देंगे, तो हम तीनों को साथ में कैप्शन बटन बोल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीनों बटन को हम कैप्शन बटन बोलते हैं, तीनों साथ में यूज होगा। अगर एक एक को बोलना है तो हम इसे देखो, इसे क्लोज बटन बोलते हैं जो रेड वाला है, यहाँ देखो लिखा के आ रहा है। और फिर ये बीच वाला है, इसे रिस्टोर डाउन बटन बोलते हैं, देखो नीचे आ गया रिस्टोर डाउन। और इसे हम मिनिमाइज बटन बोलते हैं। और इसमें एक बटन और होता है जो हमने बोला मैक्सिमाइज, तो हम वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से हम क्लोज करेंगे तो देखो ये आ गया, यहाँ से आप करोगे तो आपको मैक्सिमाइज का दिखेगा, यहाँ से आप देख सकते हो मैक्सिमाइज का दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं, इसे हम छोटा कर देता हूँ। बाकी ये नीचे जो हमारा ब्लैक कलर का दिख रहा है पट्टी, इसे हम टास्क बार बोलते हैं। हमारा जो भी प्रोग्राम हम खोले रहेंगे वो सब हमें इस पे शो करता है। और ये हमारा है जो लाइन वन कॉलम वन करके दिखा रहा है, ये हमारा होता है स्टेटस बार, इसमें हमें कर्सर का पोजीशन बताता है। और ये हमारा स्क्रॉल बार होता है, हमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से खींचना हो, हमारा कुछ टेक्स्ट नहीं दिख रहा है तो हम उसे यहाँ से खींच के ला सकते हैं। और ये हमारा होता है वर्किंग पेज, जिस पे हम काम करते हैं, जो पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, हम इस पे कुछ भी काम करें तो हमारा ये वर्किंग एरिया हो गया, वर्क पेज हो गया, जो आप बोलो, तो हम इस पे काम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।